कनिष्क प्रथम कुषाण वंश का राजा, जिसे कनिष्क महान भी कहते हैं, जिसका साम्राज्य बैक्ट्रिया से लेकर पटना तक फैला था। राजधानी गंधार थी। साम्राज्य में मथुरा और कपिसा जैसे बड़े शहर थे। बौद्ध धर्म को मानता था। उसकी इसी लगन से उस जमाने का सिल्क रूट निकला था, जिसे चीन आज फिर से बनवा रहा है। 78 ईस्वी में कनिष्क राजा बना था, जिसे शक संवत का पहला साल माना गया। पर इतिहास तो इतिहास है, समय समय पर बदलता है। कई जगह ये भी कहा जाता है कि कनिष्क 127 ईस्वी में राजा बना था। जो भी हो, ये राजा बड़ा ही प्रतापी था, पर इसके बारे में बात बड़ी कम होती है। अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और अकबर में ही लोग उलझ कर रह जाते हैं। पर कनिष्क का साम्राज्य भी इन लोगों के साम्राज्य से कम नहीं था, बल्कि ज्यादा विविधता वाला था। कनिष्क का साम्राज्य उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कश्मीर से होते हुए पटना तक था। कश्मीर में उसके नाम पर शहर भी था, कनिष्कपुर। आज भी इस जगह पर एक स्तूप का कुछ हिस्सा है। माना जाता है कि ये स्तूप कनिष्क का था। मध्य एशिया के साथ भारत का घनिष्ठतम संबंध कुषाण काल में ही स्थापित हुआ। इस समय महायान बौद्ध धर्म के प्रचारक अपना संदेश तथा धर्म ग्रंथों के साथ वहाँ पहुँचे। कनिष्क के मध्य एशिया में उनके विहार, स्तूप एवं मूर्तियों का निर्माण करवाया। बौद्ध अनुश्रुति में भी कनिष्क को बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। बौद्ध धर्म में उसका स्थान अशोक से कुछ ही कम है। जिस प्रकार अशोक के संरक्षण में बौद्ध धर्म की बहुत उन्नति हुई, वैसे ही कनिष्क के समय में भी हुई। कनिष्क ने पूरी कोशिश की थी कि दक्षिण एशिया और रोम के बीच जमीन और समुद्र दोनों से व्यापार हो। कनिष्क ने अपने नाम से सोने के सिक्के चलवाए थे। कनिष्क के सिक्कों पर तथा पेशावर के लेख के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में ही बौद्ध हो गया था। कीवन दंतियों के अनुसार कनिष्ठक पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर अश्वघोष नामक कवि तथा बौद्ध दार्शनिक को अपने साथ ले गया था और उसी के प्रभाव में आकर उन्होंने बुद्ध धर्म अपना लिया। इससे पहले वे मुख्य रूप से मिहिर के उपासक थे। सूर्य का एक पर्यायवाची मिहिर है। कनिष्क के अनेक लेख मथुरा में भी मिले हैं, जिससे मथुरा का उसके अधीन होना स्वतः सिद्ध है। चीनी इतिहासकार उसे साकेत और पाटलिपुत्र का भी विजेता बतलाता है। कनिष्क ने चीन के विरुद्ध भी युद्ध किए। पहले तो उसे इस युद्ध में असफलता मिली, परंतु बाद में उसने चीनी सम्राट को अपनी शर्त मानने के लिए विवश कर दिया। चीन के साथ कनिष्क के संघर्ष का विवरण बौद्ध अनुश्रुतियों द्वारा प्राप्त होता है। सिक्कों के अध्ययन से पता चलता है कि उसका राज्य श्रावस्ती, सारनाथ तथा कौशम्बी तक फैला था। कुषाणों के बहुत सिक्के बंगाल, बिहार और उड़ीसा राज्य में प्राप्त हुए हैं। ये सिक्के तीन प्रकार के हैं: सवर्ण मुद्राएं, तांबे की मुद्राएं तथा उनके अनुकरण पर बनी मुद्राएं। सम्राट कनिष्क के काल में कनिष्क के संरक्षण में बौद्ध धर्म की चौथी संगीति उसके शासन काल में हुई। कनिष्क ने जब बौद्ध धर्म का अध्ययन शुरू किया तो उसने अनुभव किया कि उसके विविध सांप्रदायों में बहुत मतभेद है। धर्म के सिद्धांतों के स्पष्टीकरण के लिए यह आवश्यक है कि प्रमुख विद्वान एक स्थान पर एकत्र हो और सत्य सिद्धांतों का निर्णय करे। इसलिए कनिष्क ने कश्मीर तथा कुंडल वन विहार में एक महासभा का आयोजन किया, जिसमें 500 प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान सम्मिलित हुए। अश्वघोष के गुरु आचार्य वसुमित्र और पार्श्व इनके प्रधान थे। वसुमित्र को महासभा का अध्यक्ष नियत किया गया। महासभा में एकत्र विद्वानों ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को स्पष्ट करने और विविध सांप्रदायों के विरुद्ध को दूर करने के लिए महाविभाषा नाम का एक विशाल ग्रंथ तैयार किया। यह ग्रंथ बौद्ध त्रिपिटक के भाष्य के रूप में था। यह ग्रंथ संस्कृत भाषा में था और इसे ताम्र पत्रों पर उत्कीर्ण कराया गया था। ये ताम्र पत्र एक विशाल स्तूप में सुरक्षित रूप से रख दिए गए थे। यह स्तूप कहाँ पर था, यह अभी तक ज्ञात नहीं हो सका है। यदि कभी इस स्तूप का पता चल सका और इसमें ताम्र पत्र उपलब्ध हो गए तो निसंदेह कनिष्क के बौद्ध धर्म संबंधी कार्य पर उनसे बहुत अधिक प्रकाश पड़ेगा। महाविभाषा का चीनी संस्करण इस समय उपलब्ध है। इसके अलावा मथुरा और गंधरा मूर्ति कला को भी बड़ा प्रोत्साहन दिया।
सम्राट कनिष्क के काल में ही बौद्ध धर्म भारत से निकलकर चीन और दक्षिण पूर्व एशिया में फैला, और इसका श्रेय कनिष्क को ही दिया जाना चाहिए कि उन्होंने बुद्ध धर्म के प्रकाश से पूरे दक्षिण पूर्व एशिया को रोशन कर दिया। उनके काल में बहुत से बुद्ध स्तूप बने, लेकिन अभी मिले स्तूपों ने उनका प्रसिद्ध स्तूप है पेशावर के पास मिला कनिष्क स्तूप। उनके काल में बौद्ध धर्म ने उसी प्रकार उन्नति की जिस प्रकार सम्राट अशोक के काल में उनके समय बौद्ध धर्म इराक, ईरान और पूरे चीन और दक्षिण पूर्व एशिया में फैला। सम्राट कनिष्क के समय ने बुद्ध को उन्होंने अपने सिक्कों पर भी अंकित करवाया और पूरे राज्य में हजारों बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया, जिसे आज भी उनके प्रभाव वाले क्षेत्र में देखा जा सकता है। आज भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान या भारत के पंजाब और हरियाणा में पाए जाने वाले ज्यादातर बौद्ध स्मारक कनिष्क काल के ही है। इनमें से ज्यादातर स्मारक तबाह हो गए हैं, क्योंकि पंजाब के रास्ते भारत पर बहुत विदेशी आक्रमण हुए और आक्रमककारी इन सब स्मारकों को तबाह करते हुए ही आगे बढ़ते थे, लेकिन इनके निशान आज भी इन इलाकों में देखे जा सकते हैं। इसके अलावा गांधार और मथुरा काला में बुद्ध की मूर्तियां भी सम्राट कनिष्क का ही योगदान है। उनकी राजधानी पेशावर और मथुरा थी। आज सम्राट कनिष्क के वंशज भारत में गुर्जर के नाम से जाने जाते हैं। अगर हम गुर्जर शब्द को चीनी भाषा में लिखेंगे तो सम्राट कनिष्क के कबीले यूची का नाम बनेगा, जो गुर्जर या यूची का संस्कृत में बिगड़ा हुआ रूप है। तजाकिस्तान से मिली बुद्ध की विशाल काय मूर्तियां तथा अवशेष यह स्पष्ट करते हैं कि कनिष्क के समय बौद्ध धर्म उन प्रदेशों में फैल चुका था। काशगर, खोतान, कूची, यारकंद, कड़ासहर, तुरफानर आदि में उनके विहार थे, जिनमें हजारों भिक्षु निवास करते थे। यहीं से बौद्ध प्रचारक चीन गए। चीन में बौद्ध धर्म का प्रवेश 65 ईस्वी में हन सम्राट मिंग ती में हुआ। हन शासक कुषाण राजाओं के समकालीन थे। चीनी इतिहासकारों के अनुसार मिंग ती ने बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित होकर अपना दूत भारत भेजा था, जो अपने साथ बौद्ध साहित्य, मूर्तियां तथा कश्यप, मातंग एवं धर्मारण्य जैसे बौद्ध विद्वानों को लेकर चीन पहुँचे थे। उनके निवास के लिए चीनी शासकों ने प्रसिद्ध श्वेताशव विहार का निर्माण करवाया था। भारत से बौद्ध धर्म से संबंधित पांडुलिपियां, चित्र आदि वहां ले जाए गए।